नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दुनिया टॉप 10। आइए फटाफट नजर डालते हैं दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना संक्रमण का कहर अपनी चरम सीमा पर है। ज्यादातर देशों में हालात अभी भी बेकाबू हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.26 लाख नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 12,299 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 25 नवंबर को सबसे ज्यादा 12,267 लोगों की मौत हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। अमेरिका के नाराज नागरिक जानना चाह रहे हैं कि क्यों फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिली है और अमेरिका में नहीं, जबकि इसका सारा काम खासकर बनाने को लेकर वित्त पोषण अमेरिका में हुआ। बुधवार को ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को काम देना शुरू हो जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गोलीबारी बुधवार दोपहर में हुई है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक इमारत ढहने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बचाव कर्मी मुहर्रम बेक ने 3 मंजिल इमारत के मलबे में लोगों को तलाशने का काम कर रहे हैं। वहीं नाम उजागर न करने के शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि मारी गए लोगों में दो लड़कियां भी शामिल हैं। ईरान की संसद इस्लामिक परामर्श सभा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख फकीर जादेह की मौत के बाद एक नया कानून पारित किया गया है, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की होने वाले निरीक्षण पर रोक लगा दिया गया है। इस कानून के पारित होने के साथ ही ईरान अब यूरेनियम संवर्धन की अपनी योजना को आगे बढ़ाएगा। कतर और सऊदी अरब एक विवाद को समाप्त करने के लिए एक करीबी समझौता करने के बेहद नजदीक हैं, जिसने खाड़ी के पड़ोसियों को 3 साल से अधिक समय तक एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रखा था। लेकिन दोनों देशों के बीच इस अपेक्षित समझौते का श्रेय निश्चित तौर पर अमेरिका को जाता है। चीन ने कहा है कि नेपाल के साथ उसके करीबी संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। उल्लेखनीय है, बता दें आपको, कि चीन ने अपने रक्षा मंत्री जनरल वाई फेंगयान की नेपाल की हालिया यात्रा में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और परस्पर हित के विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन ने अपनी ग्लोबल क्लाइमेट की प्रोविजनल रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि पिछले 6 साल 2015 से 2020 तक आधुनिकतम रिकॉर्ड तापमान 1850 में शुरू होने के बाद सभी 6 साल सबसे गर्म साल बनने के लिए तैयार है। WHO के महासचिव पेट्री तालस ने कहा कि 2020 दुर्भाग्य से हमारी जलवायु के लिए एक और असाधारण वर्ष रहा। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का बुधवार को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। वो 76 साल के थे। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी निधन हो गई। अमेरिका के कंसास राज्य के विचिटा शहर में पिज्जा हट की शुरुआत करने वाले फ्रैंक कॉर्नी का बुधवार को निमोनिया से निधन हो गया। वो 82 साल के थे। बता दें कि कॉर्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पिज्जा हट की शुरुआत की थी। याद रहे कि कारोबार शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी मां से $600 उधार लिए थे। तो फिलहाल के लिए दुनिया टॉप 10 में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।